हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग माय चैनल। तो ये जो ब्लॉग मैं पोस्ट कर रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ कि ये ब्लॉग पुराना है, मतलब राखी टाइम का ब्लॉग है। बट ये ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है, और मैं बता दूँ कि ये ब्लॉग मैंने पोस्ट भी किया है, तो मैंने मिनी ब्लॉग पोस्ट किया है, या फिर कुछ ऐसा ब्लॉग है एक दो जो मैंने पोस्ट नहीं किया, और कुछ ऐसा ब्लॉग है जो कि मैंने पोस्ट किया बट उसमें से कट कर दिया है कुछ सीन को। तो वो सारा इसमें एक में करके मैं बहुत सारे ब्लॉग वीडियो को इसमें मैं पोस्ट कर रही हूँ, डाल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखो, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग बहुत मज़ा आएगा देखने में, बिकॉज़ बहुत सारा हंसी है इसमें। तो बस आप लोग कंटिन्यू देखते जाओ मेरे ब्लॉग को। मैं मॉल जा रही हूँ, हम लोग सब लोग जा रहे हैं मॉल में शॉपिंग करने राखी का। पटना वाले चल रहे हैं सब लोग, हम लोग आ रहा जिला घर बा। कौन बात के डर बा, राखी के मिठाई खा जो। क्या क्या पकड़े तो अभी हम लोग आरा पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं नागर मॉल में। लो भाई जल्दी जल्दी लेना लेना थोड़ा सा। ये हालत खराब है, हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल में। एसी नहीं चल रहा ना, एसी चलवाइए हम लोग आए। वैसे नहीं, अरे भाई ऐसे चलाओ कोई, ऐसे चलाइए भाई, हॉट हॉट लड़की आई भैया घर से देख रहे हैं। स्लीवलेस लेना है तो चलिए कुछ शॉपिंग करते हैं। इसको कुछ नहीं लेना, इसलिए इसको बोरिंग लग रहा है। ये पहले आती थी हम लोगों ने सलाह देती थी, पका देती थी जब अपना लेना होता है। तो चलो चलो ट्राई करके आते हैं, ये वाला मुझे पसंद है, ट्राई करके देखती हूँ एक बार। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मॉल में, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मॉल में। बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गया नागर मॉल में, चलो। हाँ ये सबसे ज्यादा पकड़ा दी है, कुछ नहीं पसंद आया तो हम लोग अभी जा रहे हैं बीटू में, तो वहाँ पे देखते कुछ पसंद आ जाए। चलिए अब बहुत ज्यादा धूप है यार। तुम लोग नहीं खाएगा तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं, और आत्मीय के साथ हम लोग खा रहे हैं मैगी, और बहुत ज्यादा थकान हो चुका है। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, कल ब्लॉग ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं कल, तो इसके लिए आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे। और यहाँ पे मैगी की लड़ाई देखिए गाइस, यहाँ पे मैगी की लड़ाई, मैगी की लड़ाई करके खाया, बहुत प्यारे गाइस।
इतना प्यार है कि बता ही नहीं सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं कल, बाय, सी यू। कल तो गाइस कल के बाद मैं अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल जो हम लोग मार्केट गए फिर उधर से आया, बहुत ज्यादा थक गई थी तो नहीं शूट कर पाई। तो अभी ना प्रिया दी आई हुई है, तो आई थी एग्जाम देने, बट अभी कल परसों ही शायद आई है। तो कल हम लोग शॉपिंग करने गए थे तो मैं बता नहीं पाई थी, तो वो कल चली भी जाएगी, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे 31 तारीख को राखी हो रहा है, तो कल वो रात में राखी बांध कर कल उसका ट्रेन है, तो वो चली जाएगी उत्तराखंड। तो अभी वो कुछ बना रही है, क्या बना रही है रौनक? नहीं, शाही पनीर बना रही है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ, तो मैं सोच रही उसका रेसिपी डालूंगी वो जब बनाएगी, बट नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत वो कर चुकी है। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ वो बना रही है, तो मैं सोची जो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो देखिए कल शायद उसका तो प्रीति भी आएगी रक्षाबंधन के लिए, तो अभी बाहर में बहुत हल्ला हुआ है, सब लोग अभी पूरे फैमिली जुटे हुए हैं, तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। फैमिली सब लोग आ चुका है घर में, हल्ला में, और यहाँ पे प्रिया दी बना रही है। क्या बना रही हो? याद रहे होगा तुम बना रही हो क्या बना रही है, पहले बताओ। हम लोग शाही पनीर बना रही है, शाही पनीर अलग का, कढ़ाई पनीर अलग का है। तो प्रिया दी अभी बना रही है कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए यहाँ पे शिमला मिर्च काट कर रख चुकी है, और प्याज इसको आधा करो, और यहाँ पे टमाटर काट दिया, और यहाँ पे आप स्पाइस में काट रही है पनीर को, और इसमें सारा कुछ बुक कर, धनिया, जीरा एंड तीन छोटी इलायची, तीन चार लौंग एंड समथिंग सेवन एट। क्या क्या नहीं पता है, लगभग तो नहीं पता है, हमारे पे प्याज थोड़ा से फ्राई भी करेंगे इसमें, बस क्या फ्राई रिफाइंड है, इसको हल्का रिफाइंड में फ्राई कर रही हूँ। तो मेरा आज थोड़ा आराम भी हो चुका है, तो ये सब्जी बना दे रही है, तो मैं रोटी बनाऊंगी, कढ़ाई पनीर बना देंगे, तो बन जाए उसके बाद लोकेश करके बताएंगे कैसे बना है। वैसे अभी से ही मतलब बहुत अच्छा आ रहा है, स्मेल इसका बहुत अच्छा आ रहा है, ये मुझे क्या बहुत अच्छा मॉडल है, इसको कुछ जल्दी ना है टमाटर डाल दी, प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद, और थोड़ा काजू और नमक डाल रही हूँ, ये फ्राई होने के बाद पीसे की ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो उसको गर्मी से हालत खराब है। मैं खा रही हूँ काजू, तो ये जल्दी से बना लेंगे, तो फिर इसको मेहंदी भी लगाना है, तो बना लो जल्दी बन जाए जल्दी, तब तक मैं थोड़ा सा और काजू खा लूँ। जो फ्राई कर रही थी कढ़ाई में वो फ्राई हो चुका है, अभी इसे ठंडा होने के बाद पीसेगी, और तो अभी इसको थोड़ा सा बस हल्का सा फ्राई करेंगे, वो जो रखे थे उसको ये इसका पाउडर बना दी, इसका पाउडर बना दी, और अभी इसको बस थोड़ा सा फ्राई करेगी और बस हो जाएगा ब्राउन हल्का सा। पनीर फ्राई कर ली है, और यहाँ पे अब शिमला मिर्च और प्याज, बहुत सिर्फ इसमें फ्राई फ्राई नहीं करना है, फ्राई करके पीस पीस है, इसको पीसना है केवल फ्राई करके। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको हल्का सा बस हल्का सा फ्राई करना है, और उसके बाद जो हम मसाला रेडी किए थे वो आप डालेंगे, टमाटर और प्याज और काजू का जो रखे थे उसका पेस्ट बना के डाल दी, काजू टमाटर प्याज का पेस्ट, आराम से कितने देर भूनेंगे, जब तक थोड़ा सा कलर ना आ जाए इसका, कलर आने के लिए चिली पाउडर, लेकिन ये हो जाए मसाला, अच्छा कलर आएगा उसमें, मेरे को सब्जी तो गाइस हो चुका है रात, और प्रिया दी जो शाही पनीर बना, कढ़ाई पनीर बना रही थी, मैंने उसे प्रॉपर नहीं दिखा पाया, तो बहुत भयानक गर्म और पूरा खांसी, क्योंकि पूरा घर में भीड़ हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा था, तो अचानक से याद ही नहीं रहा, बट मैं अभी खाने बैठी हूँ, सब लोग खा लिया है, मैं नहीं खाई हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी था, मैं खाना रोटी बनाकर नहाई हूँ, क्योंकि पसीना से ही लग रहा है, तो अभी जस्ट मैं नहाया हूँ, फिर भी नहीं, तो रात हो चुका है, सब लोग छत पे गए हैं, तो थोड़ा शांत लग रहा है, तो अभी मैं खाने जा रही हूँ, तो बताती हूँ कैसे। पहले मैं बहुत अच्छा बनाई है कढ़ाई पनीर, और देखो मैं तो मिलती हूँ आप लोग से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय। तो गाइस अभी रात के हो रहे हैं 12, और मैं मेहंदी लगा दी हूँ, प्रिया दी को दिखाओ मेहंदी एक बार,
दोनों हाथ का सट एक में करो। ये है गुंजा दी, चलता है भाई पनीर का। तो गाइस मैंने गुंजा दी का मेहंदी इसके पसंद का लगा दिया है। अब खुश हो ना? अब खुश है, बहुत खूबसूरत मेहंदी भी लगा, अच्छा लगा। सुना ले तो गाइस देखिए तो गाइस ये लड़का सुबह से सबको परेशान किया, अपना गंजी खोल के महका रहा है। तो निकालेंगे हम लोग गेट में से और फेंकेंगे, सुखाएंगे तेल दे। लगले ना अब सुना दे आगे लाइक भाई अभी युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध बाकी है। बौगा
सुना कद दे हमें से मांगा था। बड़ी खुशी आ रही है मुझे। तो प्रिया जी रेडी हो रही है और प्रिया जी को अब जाना है, तो अब ये 9 बजे पहले राखी बांध कर चले जाएंगे और पीछे से राखी का गाना बज रहा है और एक बहन इमोशनल हो चुकी है। देखिए गाइस यहाँ पे कॉपीराइट मत दीजिएगा प्लीज। ये भी हमको पसंद है बट ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें मिठाई है और इसमें कौन सा मिठाई है? लड्डू इसमें अभी सब मिठाई है। ये सब खुला खुला क्यों लिया है? ये सब लिए है उराखी के लिए। ये मिठाई बहुत अच्छा लगता है हमारा, ये फेवरेट रहता है। ये है देखिए इतना सारा मिठाई है, बाप रे ये सब कितना। यहाँ पे ये लोग रेडी हो चुका है, बस यही दोनों तभी ये दोनों लोग राखी बांधेंगे। हम लोग आ जाएंगे अपने अपने औकात पे। जा मारिए मारिए लीजिए मस्जिद पर भी जी हाँ।
छोड़ना है।